Good morning, my dear students. Myself Shabina Qureshi, and I will teach you history of class 11. First of all, congratulations to all of you कि आप लोगों ने 10th क्लास को पास आउट कर लिया है विद वेरी गुड मार्क्स एंड नाउ यू आर इन न्यू क्लास 11th क्लास एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव हिस्ट्री सब्जेक्ट प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और वीडियो को ध्यान से देखना भी है बिकॉज ये जो अब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल नए नए सब्जेक्ट्स हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो है हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट चैप्टर और जो हमारे 11th क्लास में जो सिलेबस हैं वो NCERT बुक्स हैं हमारी जो बुक है हिस्ट्री की दिस इज़ आर हिस्ट्री बुक सी केयरफुली दिस इज़ आर हिस्ट्री बुक एंड इन दिस बुक वी हैव फोर यूनिट्स हैं और टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर्स हैं द फर्स्ट चैप्टर इज़ फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम इज़ फ्रॉम फर्स्ट यूनिट इन फर्स्ट यूनिट वी हैव टू चैप्टर्स ओके फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम मीन्स समय की शुरुआत से जब से टाइम शुरू हुआ टाइम किसका ह्यूमन बींग का जब समय शुरू हुआ उसको हम शुरुआत से पढ़ने वाले हैं बिगनिंग से पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली ह्यूमन लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन कि अर्ली ह्यूमन अस्तित्व में कैसे आया उसकी शुरुआत कैसे हुई एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे डेवलप हुई हाउ ही हैड लर्न हाउ ही इन्वेंटेड फायर हाउ ही एबल टू मेक स्टोन टूल्स हाउ ही हैड लर्न कम्युनिकेशन एंड हाउ ही लर्न सेटल्ड ओवर वन प्लेस तो ये सब चीज़ें उसने कैसे सीखी वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ओके तो ये जो चैप्टर है वो किस बारे में दिस इज द चैप्टर अबाउट द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन ये जो चैप्टर है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में ह्यूमन इवोल्यूशन का मीन्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में तो चैप्टर समझ में आया कि चैप्टर की जो थीम है वो क्या है चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है तो जो चैप्टर है वो अर्ली ह्यूमन के एग्जिस्टेंस से स्टार्ट होता है और उसके डेवलपमेंट की स्टोरी को बताता है कि अर्ली ह्यूमन जो है या जो मानव है वो अर्थ पर उसका एग्जिस्टेंस इसका उसका अस्तित्व कब शुरू हुआ उसकी जो प्रेजेंस है अर्थ पर वो कब स्टार्ट हुई तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं लेट्स वे स्टार्ट चैप्टर नोट्स यू विल बी प्रोवाइडेड आपको नोट्स मिल जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक और जिसके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है प्लीज़ परचेज बुक सर एज सुन एज पॉसिबल नाउ टेक आउट पेज नंबर फर्स्ट सॉरी चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये जो चैप्टर है अबाउट द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे हुआ इट वॉज 5.6 मिलियन ईयर्स अगो दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अपियर्ड ऑन द अर्थ सर्फेस ये कितने साल पहले की बात है 5.6 मिलियन ईयर्स अगो इट मीन्स 56 लाख ईयर्स मतलब 56 लाख साल पहले की बात है जब ह्यूमन जो है वो अर्थ पर एग्जिस्ट हुआ तो जो टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शुरुआत कैसे हुई ह्यूमन का अस्तित्व कैसे शुरुआत हुआ तो स्कॉलर्स कहते हैं कि लगभग फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर यानी कि मानव जैसा दिखने वाला क्रिएचर इंसान जैसा ह्यूमन दिखने वाला क्रिएचर जो प्राणी है वो अर्थ पर उसका एग्जिस्टेंस हुआ 5.6 मिलियन ईयर्स अगो तो ह्यूमन लाइक क्रिएचर फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर यानी कि पहला मानव जैसा दिखने वाला क्रिएचर अर्थ सरफेस पर जो अपीयर्ड ऑन अर्थ सरफेस
कब हुआ? 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। 5.6 मिलियन ईयर्स अगो मींस 56 लाख ईयर्स। तो इतने साल पहले मानव जैसा दिखने वाला कोई प्राणी अर्थ पर, उसका एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व शुरू हुआ। बट ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन जो है, इसका अपीरियंस वॉज नॉट लाइक मॉडर्न ह्यूमन लाइक अस। तो इसका जो अपीरियंस है या इसकी जो शक्ल सूरत है वो हमारी तरह नहीं मिलती हुई थी, वो डिफरेंट थी। और हम लोगों के जैसे दिखने वाला जो ह्यूमन है, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन, जो हमें रिप्रेजेंट करता है या हमारी तरह रिजेंबलिंग होता है, जो हमारी तरह दिखता है, वो अर्थ पर कब आया? तो हम लोग लिखेंगे मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिनेटेड, मॉडर्न ह्यूमन। मॉडर्न ह्यूमन से मतलब वो ह्यूमन नहीं है जो कि एयर कंडीशन में रह रहा है, बड़े बड़े एरोप्लेन चला रहा है, कार दौड़ा रहा है। मॉडर्न ह्यूमन से मतलब ये है कि वो ह्यूमन जो हमारी तरह रिजेंबल होता था या हमारी तरह दिखता था। मॉडर्न ह्यूमन रिजेंबलिंग अस, मॉडर्न ह्यूमन रिजेंबलिंग अस ओरिजिनेटेड, वो अस्तित्व में कब आया या उसकी उत्पत्ति कब हुई? अबाउट 160,000 ईयर्स अगो। 160,000 ईयर्स अगो। तो हमारी तरह दिखने वाला मानव या जो हमारी तरह रिजेंबल करता है, उसका जो ओरिजिनेट एग्जिस्टेंस है वो 160,000 ईयर्स हो गई। एंड मॉडर्न ह्यूमन जो ये जो मानव था, वो फूड ऑब्टेंड करता था आइदर हंटिंग और या फिर हंटिंग एनिमल एंड गैदरिंग प्लांट्स। ये जो ह्यूमन था, इस ये नहीं जानता था, दिस ह्यूमन जो फर्स्ट ह्यूमन था डिड नॉट नो हाउ टू गैदर फूड। ये फूड के बारे में नहीं जानता था, किस तरह से फूड ऑब्टेन करना है। बट दिस ह्यूमन नो, और दिस ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस। और जो प्लांट प्रोड्यूस है, यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह है या जैम्स है, उन सबको गैदर करके और एनिमल्स हंट करके ये फूड ऑब्टेन करना जानता था। ऑल दो अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड वर अडोप्टेड लेटर, लेकिन जो अदर वेज हैं, इस जो अदर वेज यानी कि जो दूसरे तरीके हैं फूड ऑब्टेन करने के, वो ह्यूमन बींग ने बाद में जाने, उनके बारे में उन्होंने बाद में जाने। और दो अदर वेज ऑब्टेनिंग फूड वर अडोप्टेड लेटर, उनको बाद में अडोप्ट किया गया, लाइक एग्रीकल्चर वगैरह है, ये सब चीज़ें बाद में अडोप्ट की गई। बट दिस पीरियड, इस पीरियड का जो ह्यूमन बींग था, द ह्यूमन बींग ऑफ दिस पीरियड ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। प्लांट प्रोड्यूसर्स को गैदर करके इसने ऑब्टेन करना सीखा फूड को। एंड अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड अडोप्टेड लेटर, और उनको बाद में अडोप्ट किया गया। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमने बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जानी, यानी कि बिगनिंग ऑफ ह्यूमन ओरिजिनेट जाना कि ह्यूमन बींग का ओरिजिनेटेड कब हुआ या ह्यूमन बींग एग्जिस्ट में कब आया अर्थ पर। अंडरस्टूड? तो जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर हैं, जो मानव के जैसे दिखने वाला क्रिएचर है, वो तो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ सरफेस पर आया था। और हमारी तरह दिखने वाला जो मॉडर्न ह्यूमन था, हमारी तरह दिखने वाला जो ह्यूमन था, वो अर्थ सरफेस पर 160,000 ईयर्स अगो पहले आया था। एंड ही ऑब्टेन, और ये जो ह्यूमन है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ह्यूमन हिस्ट्री, और इस पीरियड में जो ह्यूमन बींग है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम हंटिंग और गैदरिंग। अंडरस्टूड? एंड अदर वेज फॉर गैदरिंग ऑब्टेनिंग फूड अडोप्टेड लेटर। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने पढ़ा बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस कब हुआ था, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की शुरुआत कब हुई थी, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। वो कौन सा ह्यूमन था? ह्यूमन लाइक क्रिएचर है, मानव जैसा दिखने वाला था, लेकिन टोटल हमारी तरह नहीं दिखता था, हमारी तरह रिजेंबल नहीं होता था। और जो हमारी तरह जो ह्यूमन बींग दिखता था और जो फूड ऑब्टेन करता था बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, वो उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो जो अस्तित्व में आया, वो आया था
160,000 years ago. Now we talk about the sources of understand early human history. अब हम बात करेंगे कि ये जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री से. अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो चैप्टर है रिलेटेड किससे? अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि अर्ली मानव. अर्ली मानव यानी कि जो बहुत ही बिगनिंग वाला जो ह्यूमन बींग था, अर्ली ह्यूमन, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो दो टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़े हैं कि इनका एग्जिस्टेंस कब हुआ, मीन्स ये कब अस्तित्व में आए, और जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री जानने के सोर्सेस कौन कौन से हैं. सोर्सेस मतलब हमें वो कौन कौन से साधन हैं जिनसे इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. अब ये जो अर्ली ह्यूमन था, डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, एंड इवन ही डिड नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, नहीं मालूम था उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, या वो रीडिंग राइटिंग भी नहीं जानता था. तो कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हमें इनकी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? लाइक अगर हम इस एंशंट ह्यूमन की बात करते हैं, मॉडर्न ह्यूमन रिजेंबलिंग अस की बात करते हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें स्टोन टूल्स वगैरह से मिल जाती है. ओके, तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनके बारे में हमें अर्ली ह्यूमन की इंफॉर्मेशन मिलेगी? लाइक मिडिवल पीरियड के ह्यूमन बींग की अगर बात करते हैं, तो हम लोगों को कॉइन्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, या फिर ये बिल्डिंग्स वगैरह से पता चल जाता है. बट इन लोगों ने तो कोई बिल्डिंग भी नहीं बनाई थी, या कोई इन्होंने तो किसी तरह के कोई कॉइन्स भी कॉइन्स वगैरह यूज़ नहीं लिए थे, ना ही ये इन्होंने यूज़ किया था किसी तरीके के ऑर्नामेंट्स वगैरह. और राइटिंग सोर्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू राइट. तो फ्रॉम विच सोर्सेज वी गेट इंफॉर्मेशन, वी गेट नॉलेज अबाउट द ह्यूमन हिस्ट्री, लेट्स वी डिस्कस. तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कि सोर्सेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि ह्यूमन हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें कौन कौन से सोर्सेस से मिलती है. तो ये टॉपिक समझ में आया, बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस अर्थ सर्फेस पर ह्यूमन कब आया था. अर्थ सर्फेस पर जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर है वो 5.6 मिलियन ईयर्स होगा आया था, और हमारी तरह दिखने वाला मॉडर्न ह्यूमन 160,000 ईयर्स अगो अर्थ सर्फेस पर प्रेजेंट हुआ था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेस ऑफ सोर्सेस टू अंडरस्टैंड सोर्सेस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन, हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन. इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द सोर्सेस ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन, या गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्सेस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन. तो हमें अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को समझने के लिए या अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं, फ्रॉम विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली ह्यूमन. तो दीज आर फॉर इन टू फॉसिल्स. फॉसिल्स, फॉसिल्स एक ऐसा एविडेंस है, एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री मालूम चलती है. व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, यानी कि रिमेंस. अगर वो लाइक एंशियंट टाइम पर जब इन लोगों को बरी कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था, तो इनके जो स्कल्स हैं और कुछ सेडिमेंट्स ऑफ स्केलेटन हैं, या कुछ इनके कंकाल के कुछ सेडिमेंट्स ये टुकड़े वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें जब एक्सकेवेशन के दौरान मिलती हैं, तो इनके कुछ पीस, इनकी बॉडी के कुछ पार्ट वगैरह हमें मिल जाते हैं. तो जब हम उनके स्टडी करते हैं, देन वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन, और हमें उन स्कल्स को देख करके या उनके स्केलेटन्स को देख करके पता चलता है कि वो कैसे दिखते थे. ठीक है, तो हम लोगों को फॉसिल्स से भी क्या मिलती है, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली ह्यूमन. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी फॉसिल्स क्या होते हैं. फॉसिल्स आर रिमेंस ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म.
फोसिल्स आर रिमेंस, यानी कि फोसिल्स वो अवशेष होते हैं, रिमेंस का मतलब होता है कुछ बची हुई चीज़ें जो बच जाती हैं, शेष रह जाती हैं। तो फोसिल्स आर रिमेंस ऑफ, रिमेंस एंड इम्प्रेशन, रिमेंस एंड इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मीन्स होता है चिन्ह, ठीक है। तो वो चिन्ह रह जाते हैं या वो निशानियां, वो अवशेष होते हैं फॉसिल्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट एनिमल्स एंड और ह्यूमंस और ह्यूमन विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन। यानी कि फॉसिल्स वो होते हैं, वो होते हैं जो रिमेंस होते हैं एंड इम्प्रेशन होते हैं वेरी ओल्ड प्लांट्स के, एनिमल्स के और ह्यूमन के, विच, मानव के, विच हैव टर्न इंटू स्टोन, यानी कि जो रॉक वगैरह में या चट्टानों वगैरह में दब करके पत्थर के फॉर्म में मिलते हैं। तो इस तरीके के जो फॉसिल्स हैं, जब एक्सकेवेशंस होती हैं या खुदाई होती है, तो इनके कुछ रिमेंस, कुछ अवशेष मिल जाते हैं। एंड दीज आर हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन, टू गेट नॉलेज अबाउट द अर्ली ह्यूमन। तो एक फॉसिल्स से भी, एक फॉसिल्स भी सोर्स हैं अर्ली ह्यूमन को जानने का या अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री को जानने का। तो हमने फॉसिल्स को डिफाइन कर दिया है। नाउ अब हम लोग बुक में पढ़ने वाले हैं कि ये फॉसिल्स क्या होते हैं। देवर इट वॉज ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट दे ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंड्स वर रियलाइज, कि ये जो क्या है अर्ली ह्यूमन्स की ट्रूथ को, यानी सच्चाई को रियल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और रिलीज करना मतलब कि खोलना, ये हमें अर्ली ह्यूमन की सच्चाई को बताते हैं। अब हम बात करते हैं फॉसिल्स आर डेटेड, फॉसिल्स को, यानी कि जब हम किसी जीवाश्म को देखते हैं या फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन को देखते हैं, यानी किसी मानव के रिमेंस को हम देखते हैं, तो हमें उसके डेट के बारे में पता चलता है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट हाउ लॉन्ग ऑल दिस फॉसिल्स, ये कितना फॉसिल, ये लॉन्ग, ये कितने सालों पुराना, ये कितने पीरियड साल पुराना ये ह्यूमन बींग का रिमेंस है। तो फॉसिल्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन। नाउ सेकेंड जो है वो है स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स, सेकंड सोर्स स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री जानने को। स्टोन टूल्स जब पहले, ये जो लोहे के टूल्स या मेटल टूल्स बनाने के पहले अर्ली ह्यूमन स्टोन टूल्स को बनाते थे। स्टोन टूल्स क्या, कैसे होते थे, शार्प होते थे और ये शार्प ब्लेड होती थी, पेबल्स होते थे। एट दे यूज्ड दीज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग, ये हंटिंग के लिए तो यूज़ करते ही थे, एंड टू टीयर फ्लैश ऑफ एनिमल, एनिमल के मांस को टीयर करने के लिए भी इन स्टोन टूल्स का वो यूज़ करते थे। एंड एज वेल एज दे यूज दीज स्टोन टूल्स फॉर द डिफेंस, और अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फ्रॉम वाइल्ड लाइफ ये स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। और जब एक्सकेवेशंस के दौरान कई जगह पर वर्ल्ड में किसी भी कोने पर जब इन स्टोन, ये स्टोन टूल्स फाइंड आउट किए गए और उनकी स्टडी की गई, तो ये बात मालूम चली कि जो अर्ली ह्यूमन था वो अर्ली ह्यूमन टूल्स यूज़ करता था, मेटल की जगह स्टोन टूल्स का यूज़ करना उसने शुरू किया था। और ये स्टोन टूल्स जो बनाता था वो उनके, उनको घस करके बनाता था, और उसका यूज़ किस लिए करता था इस बात की भी नॉलेज हमें मिलती है। तो स्टोन टूल्स से अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में हमें क्या पता चलता है, कि स्टोन टूल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वी गेट इन्फॉर्मेशन दैट यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स, कि स्टोन टूल्स का क्या यूज़ होता था। तो हम लोग इसमें लिखेंगे स्टोन टूल्स का क्या यूज़ होता था। स्टोन टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग, स्टोन टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हैं टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन, यानी कि अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री जानने के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स स्टोन टूल्स भी है।
स्टोन टूल्स वर मेड एंड यूज बाय अर्ली ह्यूमन आर अवेलेबल वेरियस पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप. कि स्टोन टूल्स जो कि बनाए जाते थे ह्यूमन अर्ली ह्यूमन बींग से और जो उनका यूज़ करते थे वो वेरियस पार्ट में मिले हैं अफ्रीका और यूरोप के, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बहुत पार्ट्स में स्टोन टूल्स मिले हैं विच वर मेड एंड यूज बाय अर्ली ह्यूमन. और ये जो स्टोन टूल्स हैं वो किस तरीके से होते थे, स्टोन टूल्स सच पेबल्स, कुछ कंकर पत्थर होते थे, शार्प स्टोन्स होते थे और स्टोन ब्लेड्स भी होती थी एंड वर यूज फॉर वेरियस पर्पस. और इनका जो यूज़ है बहुत अलग अलग पर्पस से होता था. वेरियस पर्पस, ये पर्पस कौन से होते थे, फॉर हंटिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया है, टियरिंग फ्लैश एंड डिफेंड, अपने आप को उनको क्या करना होता था, प्रोटेक्शन करना होता था फ्रॉम वाइल्ड लाइफ. अब जो थर्ड ऑप है, थर्ड सोर्स कौन सा है, केव पेंटिंग. केव पेंटिंग अर्ली ह्यूमन की जो इन्फॉर्मेशन है या इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए केव पेंटिंग भी बहुत ही क्या रहती है, हेल्पफुल है. तो केव पेंटिंग्स आर ऑल्सो हेल्पफुल सोर्स या हेल्पिंग सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन. अगर हमें अर्ली ह्यूमन की और इन्फॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है, तो उसकी जानकारी में जो हेल्पफुल सोर्स है वो केव पेंटिंग्स भी है. व्हेनेवर जब अर्ली ह्यूमन जो खाली समय में गुफाओं में रहता था तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देता था. ड्रॉ में वो क्या करता था, ड्रॉ में लाइक वो किस तरह से शिकार करता है, इस तरीके की पेंटिंग वो ड्रॉ करता था. एंड बाय दिस पेंटिंग ही लर्न देयर जनरेशन. वो अपनी जनरेशन को सिखाना चाहता था हाउ टू हंट एनिमल, के एनिमल्स को कैसे हंट करते हैं. एंड वो अपने वेज, यानी कि वेज ऑफ हंटिंग करने के तरीके को ड्रॉ करता था. एंड जब उसने आग का इन्वेंशन किया उसको भी उसने ड्रॉ किया कि टू वो जो स्टोन्स है उसको वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से रब कर रहा है, इस तरीके की पेंटिंग भी उसने बनाई सो दैट कि उसकी जो अपकमिंग जनरेशन है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले कि हाउ टू ऑप्टेन फायर, कि एक फायर को कैसे प्राप्त किया जाता है. ठीक है, तो केव पेंटिंग से भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन. तो हम लोग इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, इट इज़ केव पेंटिंग्स ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन. अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री जानने के लिए केव पेंटिंग भी इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल सोर्स है. पेंटिंग्स फाउंड ऑन वॉल्स ऑफ केव्स इन यूरोप एंड अफ्रीका आर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री. समझ में आए, तो अफ्रीका और यूरोप में जो केव पेंटिंग्स मिली है वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है टू नो अबाउट द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री. तो वो इस केव पेंटिंग में या केव में बैठ के ड्रॉ क्या करता था, हमारी तरह कोई नेचर के सीन या कोई बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स ये ड्रॉ नहीं करता था. ही ड्रॉ द वे ऑफ हंटिंग. वो क्या क्या ड्रॉ करता था, वे ऑफ हंटिंग, ताकि उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो इन पेंटिंग्स को देख के हंटिंग कर सकें. एंड वे टू ऑप्टेन फायर, और किस तरह से आग को ऑप्टेन करना, ये सब चीज़ें वो एंड पेंटिंग ऑफ स्टोन टूल्स की पेंटिंग वगैरह बनाता था ताकि उस आने वाली जनरेशन इन तरीकों को सीख सके. अब हम बात करते हैं जो फोर्थ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट कौन सा था, फॉसिल, सेकंड स्टोन, थर्ड केव पेंटिंग. अब जो फोर्थ सोर्स है जिससे हमें पता चलता है अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को जानने के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उस चीज़ को हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, वो है एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड. जो फोर्थ सोर्स है वो है एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड. यानी कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो ह्यूमन जैसा क्रिएचर है, ये किसके क्रिएशन है, गॉड के क्रिएशन है. गॉड के क्रिएशन है मतलब जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे या हम लोग ये मानते हैं कि बहुत सालों पहले ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस हो चुका था. अब ये आया कहाँ से था, कोई पेड़ पौधे से तो टपका नहीं था, तो कहीं ना किसी ने तो इसको क्रिएट किया ही है. और बाइबल में भी लिखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वॉज अ क्रिएशन ऑफ गॉड. इवन बाइबल ही क्या, हम लोग अगर अदर होली रिलीजियस बुक्स देखते हैं लाइक कुरान है और गीता है, इन सब में भी जो मानव है ये ह्यूमन बीइंग है वो क्रिएशन बताया गया है, किसका, गॉड का ही बताया गया है. तो व्हेन सच डिस्कवरीज वर फर्स्ट मेड अबाउट 200 ईयर्स अगो. तो व्हेन सच डिस्कवरीज का मतलब है स्टोन टूल्स, फॉसिल्स, केव पेंटिंग्स. जब इस तरीके की डिस्कवरीज की गई
200 ईयर्स 200 साल पहले इस तरह की डिस्कवरीज यानी कि खोज की गई, फॉसिल्स वगैरह के बारे में स्टडी की गई या केव पेंटिंग्स के बारे में स्टडी की गई और जो स्टोन टूल्स वगैरह मिले इनकी स्टडी की गई, डिस्कवरी की गई, खोज की गई। मैनी स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दीज ऑब्जेक्ट्स वर ऑफ रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये मना कर दिया उन फॉसिल्स के लिए कि ये अर्ली ह्यूमन के रिमेन्स नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ द बाइबल। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो बाइबल का जो लिखा है उसमें ये लिखा है ह्यूमन ओरिजिन वॉज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। तो उसमें ये लिखा है कि ह्यूमन बीइंग है वो गॉड का क्रिएशन है। ह्यूमन बाइबल के अलावा कुरान और गीता भी यही मैसेज देती है। तो हम लोगों को ह्यूमन हिस्ट्री जानने के कौन कौन से सोर्सेज हैं बेटा? 4 सोर्सेज हैं ह्यूमन हिस्ट्री को जानने के। कितने सोर्सेज हैं? आप लोगों ने अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो प्लीज़ क्लास की तरह रिपीट करेंगे। 4 सोर्सेज मैंने बताए हैं। हाउ मेनी सोर्सेज आई टोल्ड यू? 4 सोर्सेज। तो फर्स्ट सोर्स कौन सा था? फॉसिल्स। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर रिमेन्स एंड इम्प्रेशन ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन। ओके, ये इनके क्या होते हैं? रिमेन्स होते हैं और विच हैव टर्न इंटू स्टोन, जो कि पत्थर में बदल चुके होते हैं। फॉसिल्स के बाद में जो है वो है स्टोन टूल्स, यानी कि अफ्रीका और यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में के वेरियस पार्ट में स्टोन टूल्स भी मिले हैं एज ए एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन। एंड ये जो स्टोन टूल्स हैं वो पेबल्स हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं और जो नुकीले स्टोन से यानी कि शार्प स्टोन से इस तरीके के टूल्स मिले हैं। एंड दीज वर यूज फॉर हंटिंग एंड टीयरिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड फॉर प्रोटेक्शन। और जो थर्ड जो हमारा है वो है केव पेंटिंग। केव पेंटिंग से भी हमें अर्ली ह्यूमन के हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो फोर्थ है, ये सेकेंड सोर्स, दिस इज द थर्ड सोर्स एंड फोर्थ सोर्स इज एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। तो इस तरीके से हमने आज जो टॉपिक पढ़ा, 2 टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर के एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर है अर्थ सरफेस पर एग्जिस्ट हुआ था। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर अपीयर्ड ऑन अर्थ सरफेस अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। एंड ह्यूमन लाइक ह्यूमन या फिर मॉडर्न ह्यूमन रिजेम्बलिंग अस अपीयर्ड और ओरिजिनेटेड अबाउट 160 ईयर्स अगो। तो इस तरीके से हमने ओरिजिन पढ़ लिया है कि उनकी उत्पत्ति कब हुई थी, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। और जो मॉडर्न ह्यूमन है जो हमारी तरह दिखता है वो 160,000 ईयर्स अगो हुआ था। आफ्टर दैट हमने जो पढ़ा सोर्स टू विच आर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन हिस्ट्री, कि वो सोर्सेज जिससे हमें अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो 4 सोर्सेज है। फॉसिल्स यानी कि जो अवशेष जो कि दब जाते हैं, उस जिसमें स्कल्स या स्केलेटन्स वगैरह निकलते हैं, बॉन्स वगैरह निकलती हैं प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन की, तो उनकी स्टडी से भी हम लोगों को अर्ली ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सेकंड, केव पेंटिंग्स एंड स्टोन टूल्स एंड एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड। फ्रॉम दीज सोर्सेज वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अर्ली ह्यूमन। एंड नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट टुमोरो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।